She was very good on that part, and हम दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जितना भी improvise कर रहे थे, I felt so comfortable with him. ऐसा लगा है मेरे we were काफी सारी चीजें थी जो हम लोग ने इसमें खुद अपने हिस्से डाली है और वो पर्दे पे बहुत अच्छे से आई. So we are very happy and he was extremely professional. So मुझे ये बहुत अच्छा लगा. गाना बहुत अच्छा था अपने आप में. म्यूजिक जिन शैलेंद्र जी ने दिया बहुत अच्छा लगा मुझे. और नीरज जी सेट पर हमेशा तैनात खड़े हैं जो भी चाहिए. सिर्फ ही डिड नॉट हैव द केप बट ही वाज एक्चुअली अ सुपरमैन जिसको जो चाहिए. वो बहुत धूप थी और बाइक के शॉट्स होते हैं तो रीटेक्स होते हैं. बहुत गाड़ियाँ बार बार आ रही हैं जा रही हैं. हमें एम पी रोड का शॉट चाहिए होता था तो वो नहीं पब्लिक आ रही जा रही है उनको रोकना. एक बंदा वहाँ रोका पड़ा है वहाँ रोका पड़ा है. प्रोड्यूसर खुद आगे कर रहा है. तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं. फिर मेकअप है ड्रेस सबके सबका जो तो जिसका काम था सभी ने बखूबी निभाया. With great teamwork. Team is very hardworking and they were personally looking after everything. So it was our pleasure to work with such wonderful team. Aman, जो हमारा director है, he was very friendly with us. उनके साथ जब भी कोई shot में discuss किया, he was very easy to understand. वो मुझे समझ रहे थे, मुझे समझ रहा था, हम समझ रहे थे बहुत आसानी से. Public अचानक से बहुत भीड़ हो गई थी जब हमको पता लगा shooting हो रही एक जगह पे. During the yellow, the first shot which we did, वहाँ पे काफी भीड़ हो गई थी. It was like भीड़ इतनी हो गई थी कि it was not under control that we had to call police and we had to remove them all out. So everything was taken care in a very nice way. बहुत ही span of time we just got कि फटफट shot निकालना करना है करना है. हमारा DOP भी बहुत अच्छा था. तो DOP ने तो बहुत काम आसान कर दिया था and he was very quick. उसके लिए भी retakes बहुत rarely हो. Yes, hardly. It was very fast और मेरा bike बहुत successful. बहुत ही सेक्सी फार्ले है उसकी बाइक थी. पंकज जी की बाइक है वो. मेरी तो खैर है नहीं लेकिन मैं उनसे लेके चलाता रहा हूँ. अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिएगा. तो उनकी बाइक है वो. आई थिंक वो नीरज जी के पार्टनर हैं. वो बाइक चला के लाए बहुत दूर से खास तौर से इस फिल्म की शूट के लिए और वो हमने यूज़ किया. तो थैंक यू पंकज जी और पूरे टीम को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप ये गाना बहुत बड़ा हिट हो. आगाज़ म्यूज़िक को बहुत बहुत शुभेच्छाएँ. मेरी कामयाबी मिले और नीरज जी को बर्थडे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका आगाज़ म्यूज़िक वर्ल्ड और आपका बर्थडे सब अच्छा सेलिब्रेट होगा आज और सब बहुत आगे बढ़ेगा मस्त. और ये गाना जो इन्होंने गाया है लास्ट दिनों से हमने अभी सुना कि उनके गले की पावर उनका रेंज क्या है. वो माइक है वो माइक के गाने थे लेकिन उनके बाजू में था और मुझे लग रहा है माइक को और उन्होंने खाली गले दिखाया प्रॉपरली. कोई बैकग्राउंड वेरी नाइस और आपने ये गाना बहुत अच्छा गाया है. थैंक यू सो मच. आई थिंक आई एम वेरी लकी. ये वेरी लकी ये गाना हमें मिला. और अमित से ही जान लेते हैं कि अमित जब ये गाना आपके पास आया तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका और कैसे इसमें. और हम ये भी साथ में जानना चाहेंगे कि जब हम गाना देख रहे थे तो लोगों की आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी ये गाना सुनते तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ कहना चाहिए. ये हमारा भाई गाना है बहुत ही गाना है. मैंने गाना गाया शैलेंद्र जी बहुत गाने गाने को कहते ना कि दोस्ती दोस्ती वाला सर हो. और मैं लोखंड वाला में था और नीरज जी और सौरभ भाई वहाँ पर थे. दोस्तों की मुलाकात होती है सौरभ भाई से बहुत मज़ा आया. जैसे अभी आ रहा है लेकिन जो मुस्कान है ना देख के मज़ा आ जाती है. पॉजिटिव वो जब मिला मैं तो मुझे अच्छा लगा माहौल अच्छा लगा. उसके बाद जो है मैंने गाना कैसा रिएक्शन कैसा मिल रहा है जब लोग गाना देख देख के आपको मिल रहे हैं. अब गाना रिलीज हुआ है तो
आप बताएं आप लोगों को गाना कैसा लगा? बहुत जहां भी मैं जाता हूं मैं उम्मीद करता हूं जहां भी लोग जाएंगे गाना सुनता रहे वो सुनते रहे और सबको बहुत आनंद सरो और अमृता आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब रोमांटिक गाने की बात आती है तो बाट टब बीच में आ जाता है कैसे वो उसका क्या बाट टब का जी हाँ जब हाँ हाँ वही कि कैसे उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कैसे बाट टब रोमांटिक गाने में आया या कुछ थीम था उसका वन लाइन हमने पहली बार जब बाट टब या जकूजी देखा तो मेरे माइंड में फर्स्ट यही आया कि ठंडा पानी होगा या गर्म पानी होगा प्लीज वो बता दीजिए क्योंकि वो अगर ठंडे पानी में होगा एसी ऑन में पहला मेरा टेंशन ये था ठंडा होगा गर्म होगा वहाँ से स्टार्ट हुआ बट बाद में ग्रेजुअली जब हम लोग पानी के अंदर गए दोनों पानी अपने आप गर्म होते गया और अपने आप फॉर ऑब्वियस रीजन पानी उबलने लगा एक्चुअली पहले ये गई थी उनका पहले शॉट्स था और मैं धूप गर्मी से बाइक चला के आ रहा था तो मैं पानी ठंडा था लेकिन जब ये मैं जब बाद में आया तो और भी गर्म हो चुके तो मुझे पानी बहुत मिला तो पानी पानी में मतलब नेचुरल रोमांस निकल के आता है ऐसा मानते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ हम पहले जानते ही नहीं थे मेरा शॉट हुआ दूसरा मैंने देखा वो मैडम जा रही है वहाँ पे मेरा क्या हो रहा है तो उसका बात करना अच्छी अच्छी बात है लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी मेरे को जाने का मुझे बहुत गर्मी हो रही थी सो मैं हाथी रुके जैसे मैं अच्छा है आदमी बेटर और बाथटब में शूट करना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है बिकॉज उसमें क्योंकि उसके अंदर पानी के अंदर मूवमेंट करना पानी के अंदर एंगल जगह इतनी सी है और उसको बहुत कुछ करना है उसमें तो इट इट लुक्स ईजी बट इट इज़ नॉट ईजी बट फिर भी टैलेंटेड आर्टिस्ट है मुझे जरा भी मुश्किल नहीं लगा इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू तो हम ये मान लेवे कि आप दोनों ने एंजॉय किया खूब हाँ पूरा शूट हमने बहुत हाँ अमित भाई चलते चलते दो लाइन अगर गुनगुना दें ये वाला गाना जो आज हुआ